जैसे कि इस फिल्म का नाम खोइचा है, ये फिल्म भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। और जैसे ही मैंने इस फिल्म के बारे में सुना, और मैं बहुत संस्कृति और संस्कार ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से मैं भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आई वुड लाइक टू विश ऑल द पीपल ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म एंड फॉर द फिल्म खोइचा, सो दैट दे कैन ब्रिंग ऑल द कल्चर एंड एवरी थिंग टू इंडिया बैक। मेरा नाम पल्लवी सिंह है। हाँ, मैं इसमें लीड रोल में हूँ। मेरा यहाँ पर जो बेसिकली कोई अच्छा मूवी है, ये नारी प्रधान मूवी है। और इसमें बेसिकली एक है, एक बेटी है जो कि बच्ची है, जिसको उसके माता पिता प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, लास्ट में उसको अपना घर पराया धन होती है, एज ऑल नो कि गर्ल पराया धन होती है। सो उसको अपने घर से दूसरे घर में जाना होता है। सो दूसरे घर में जाते तो उससे पहले उनको गिफ्ट दिया जाता है, जो कि हल्दी, चंदन, वगैरह, ये सब उनको गिफ्ट एज अ ब्लेसिंग के रूप में दिया जाता है। तो उसी पर पूरी बेस्ड है ये मूवी, कि हमारा जो कल्चर है, क्या है कल्चर, बेसिकली हमारा कल्चर क्या है, उसी के वे में वही हमें दिखाया गया इस मूवी में बेसिकली। इट्स ऑसम मूवी, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छी मूवी है ना, आई एम इम्प्रेस्ड। एंड बहुत अच्छे से लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। हम लोग इसमें, हम लोग को टाइमिंग दिया जाता है, इसमें टीचिंग चल रही है मेरी, बकायदा स्क्रीन टेस्ट लिया गया, वो ड्रेसेस पहनाकर, साड़ी पहनाकर। इसमें एक्चुअली हम मेरा सारा सारे वे में मुझे दिखाया गया है, साड़ी में भी दिखाया गया है, वेस्टर्न ड्रेस में भी दिखाया गया है। सो वो एक बच्ची की चुलबुलाहट भी दिखाई गई है इसमें। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि नारी के सारे शेड्स दिखाए गए हैं, सारा शेड्स दिखाए। एक लड़की एक प्यारी सी बच्ची होती है, उसके बाद वो गुस्से में आती है तो कैसे रुद्र रूप धारण करती है। एवरी थिंग इज देयर इन दिस मूवी। जी, मेरा नाम राकेश निराला है और इसमें मैं गीत लिख रहा हूँ और स्क्रिप्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ। वैसे कहानी कृष्णेश्वर शर्मा जी की है और उन्होंने क्लासिक लिखी है, क्लासिक कहानी लिखी है जो, और ये जो टाइटल है उस पर आज तक किसी ने सोचा नहीं था। ये पहली बार आ रहा है और किसी की नकल नहीं है ये टाइटल। ये टाइटल बहुत ही ओरिजिनल है। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, सारी बातें तो सारे लोग कह चुके हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम दक्षिण वाले हैं या बंगाल के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, ये लोग फिल्में बना रहे हैं, अभी बहुत पहले से बना रहे हैं फिल्में, इनकी इनकी जो जितनी भी मूवी हैं इतनी कोशिश करते हैं, इतनी अच्छी से अच्छी कहानी देने की कोशिश करते हैं और इतना अच्छा स्क्रीन प्ले डायलॉग्स देने की कोशिश करते हैं कि इनकी फिल्में बाहर जा चुकी हैं, अवार्ड के लिए सराही गई हैं, अवार्ड के लिए गई हैं, लेकिन हमारी हमें इस तरह का मौका नहीं मिला है अभी, और मिला भी है तो एक दो फिल्मों के लिए मिला है। मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि तो मैं स्क्रिप्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ इसलिए स्क्रिप्ट के बारे में बोलूँगा कि इसकी ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ऐसी बनाई गई है इसकी स्क्रिप्ट कि ये अवार्ड ले सके, ये हम जाएँ पारितोषिक जित ले सकें। और भारतीय सभ्यता, जैसा सब लोगों ने, डायरेक्टर साहब ने बोला, म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने बोला, उन्होंने जो निर्मात्री हैं उन्होंने बोला, निर्माता साहब ने बोला, जितने भी लोगों ने बोला है, जितनी सारी बातें, उसके अलावा ये बात है कि इसमें ऐसे सीन्स होंगे जो आपने आज तक अनछुए हैं, जिस पे आपने देखे नहीं होंगे भोजपुरी में, ऐसे ऐसे सीन इसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गाने भी उसी तरह के हैं। जी, एक गाना है, भिजल गुलाब तुलागत बारू, भिजल गुलाब तुलागत बारू, अंग अंग मोती चमके, लागे जैसे आसमान से उतरल बारू परी बन के, दिन दुनिया भुला के इकरार करी, अब हो कर जा कर जा में समक तो है प्यार करी। जी, मेरा नाम भारतेंदु है। जी,
गोइछा फिल्म से आपकी शुरुआत? जी सबसे पहली बात तो मुझे एक मौका मिला।